हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनका मैकेनिज्म कैसा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स मेल गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज ओजेनेसिस। तो दोनों टॉपिक को वन बाय वन और पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर को। अभी हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और जो हमारी यूनिट फर्स्ट है बायोलॉजी की क्लास 12th की जो यूनिट फर्स्ट है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो टॉपिक हम या दो चैप्टर कह सकते हैं कि हम लोगों ने कवर कर लिया है। पहला एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था फर्स्ट चैप्टर, एंड सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ थर्ड टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये जो टॉपिक है इसमें हम पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ये होता कैसे है, कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। उसके बाद वन बाय वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो अपना पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक इज, अब इसमें एक वर्ड आता है कि ह्यूमन बींग आर यूनिसेक्सुअल एंड मॉर्फोलॉजिकली डाइमॉर्फिक। यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं, ह्यूमन बींग आर यूनिसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज डाइमॉर्फिक। ह्यूमन बींग इज डाइमॉर्फिक। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक बॉडी पे, किसी एक ह्यूमन बींग के बॉडी पे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। तो ये मतलब होगा यूनिसेक्सुअल का, ह्यूमन बींग का यूनिसेक्सुअल मीन्स ऑन अ सिंगल बॉडी ओनली सिंगल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। सेकेंड जो हमारा डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक का मतलब क्या है, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी और डायमेंस दो, मतलब कि ह्यूमन बींग की जो ह्यूमन बींग होते हैं उनमें सेक्स के बेस पे दो मॉर्फोलॉजी होती है, एक मेल की मॉर्फोलॉजी होती है और एक फीमेल की मॉर्फोलॉजी होती है, और ये वेल डिस्टिंग्विश होते हैं, इनको हम अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल की बॉडी में मेल कैरेक्टर्स, फीमेल की बॉडी में फीमेल कैरेक्टर। तो ये हमारे दो मेन टॉपिक है, यूनिसेक्सुअल एंड डायमॉर्फिक। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक बॉडी पे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और डायमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी मॉर्फोलॉजी इज टू टाइप, वन इज मेल मॉर्फोलॉजी एंड सेकंड इज फीमेल मॉर्फोलॉजी। मेल मॉर्फोलॉजी प्रेजेंस ऑफ बियर्ड्स, मस्टेसेस, स्ट्रांग शोल्डर्स, लाउड वॉइस, एंड फीमेल मॉर्फोलॉजी मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, लो पिच ऑफ वॉइस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो अभी बाद में हम लोग इसको डिटेल स्टडी करेंगे। अब जो फर्स्ट सेक्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट सेक्टर में एक टर्म आया था कि किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थ्री स्टेजेस कॉमन होती है, या थ्री स्टेजेस आती है किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या उसके लाइफ में थ्री स्टेजेस आती हैं। पहला स्टेज होता है
फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन स्टेज, एंड थर्ड जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में जो कॉमन सी बात होती है वो होता है केमिकल एनालिसिस। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले गैमेट का प्रोडक्शन, तो इसमें हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद अभी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में ही दूसरी स्टेज आएगी ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अब जरा देखें इसमें गैमेटोजेनेसिस बात हो रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और यहां से एक टर्म आया गैमेटोजेनेसिस। तो अब गैमेटोजेनेसिस गैमेट का प्रोडक्शन, तो जब गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है तो ह्यूमन बीइंग में टू टाइप के गैमेट प्रोडक्शन होता है। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल में होता है, और फीमेल में होता है ओजेनेसिस। ये फीमेल में होता है और ये मेल में। गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज की बात हो रही है। सेकेंड स्टेज की बात हो रही ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट का ट्रांसफर। तो गैमेट का ट्रांसफर इसमें यही होता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जो मेल इंडिविजुअल होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अपने स्पर्म को डिपॉजिट करता है। तो ये जो हमारी स्टेज हो गई वो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। इस स्टेज के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो फर्टिलाइजेशन स्टेज में सिंपल ये होता है कि एक हैप्लॉयड मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है हैप्लॉयड फीमेल गैमेट से, और इनके फ्यूजन से बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। अब डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन स्टेज में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो पहला तो यही होता है कि जैसे ही गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो जाइगोट का स्टार्ट होता है डिवीजन, कि जो जाइगोट है वो अब डिवाइड करने लगता है। और जब जाइगोट डिवाइड करता है तो उसको एक स्पेशल टर्म देते हैं, स्पेशल नेम देते हैं, उसको कहते हैं क्लीवेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गए, फर्स्ट उसमें पहला जो स्टेप होगा वो डिवीजन या क्लीवेज। सेकेंड के बाद क्या होगा, सेकेंड होगा कि अब डिवीजन स्टार्ट हुआ तो जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट हुआ या क्लीवेज स्टार्ट हुआ और उस स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। अब ये जो डिवीजन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल बॉडी में जब फर्टिलाइजेशन होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब, तो जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन अब वहां पे जैसे ही डिवीजन या क्लीवेज स्टार्ट होते हैं ये एम्ब्रियो ट्रांसफर होके वहां से ट्रांसफर होके आ जाता है यूटेरस में। तो यूटेरस में आके होता है इसका इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद अब जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस की वॉल के साथ आकर के एम्बेडेड हो जाता है, उसके साथ लिंक कर जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन के बाद की जो स्टेज आती है उसको बोलेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब एक प्रॉपर कनेक्शन होता है एम्ब्रियो का मदर बॉडी के साथ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जो मदर की बॉडी में, जो मदर की यूटरस है, यूटरस में ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं प्लेसेंटा, जो मदर की बॉडी से ऐसे इम्बेडेड हो जाते हैं और मदर बॉडी से न्यूट्रिशन जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज करते हैं। प्लेसेंटेशन के बाद स्टेज आती है ऑर्गेनोजेनेसिस की। ऑर्गेनोजेनेसिस की, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन के या जायगोट फॉर्मेशन के या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के नियर अबाउट 1.5 मंथ 1 से 1.5 महीने बाद जो है ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होने लगती है। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होने लगती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग टाइम पे उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद उनमें फिर साइज भी इंक्रीजमेंट होती है, ऑर्गन्स आते हैं और ऐसे करते करते नियर अबाउट 270 डेज फर्टिलाइजेशन से लेकर के नियर अबाउट 270 to 280 डेज इस टाइम पीरियड में जो यंग वन है जो फर्टिलाइज एक था और वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद मदर की बॉडी से एक न्यू यंग वन का बर्थ होता है। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद स्टेप आता है फुली डेवलपमेंट के बाद पार्चुरेशन ड्यूरिंग बर्थ। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में एक न्यू यंग वन का मदर की बॉडी से प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन होने के बाद एक ये इंडिविजुअल का एक फ्री इंडिविजुअल कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, अभी तो ये अपने मदर पे डिपेंडेंट था एम्ब्रियो या फीटस कह सकते हैं, अभी वो मदर के यूटेरस में था तो मदर पे वो डिपेंडेंट था, लेकिन पार्चुरेशन के बाद वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा ये टॉपिक था ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि होते कैसे क्या क्या स्टेजेस आते हैं। तो ये हमारे पास स्टेजेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में 2 स्टेजेस हैं गैमेटोजेनेसिस ट्रांसफर ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब इनको सारे टॉपिक्स को वन बाय वन एक बार मेल के केस में और एक बार फीमेल के केस में यहां तक फर्टिलाइजेशन को भी पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन को भी पढ़ना है क्लीवेज कैसे होते हैं, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, प्लेसेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्चुरेशन इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है। थैंक यू।